Assalamu alaikum. My name is Barira Khan. I am from 7 Fox Dot. Transmission of heat. What is heat? Heat is a form of energy that flows from a body at high temperature to a body at low temperature. Heat energy की एक form है जो कि hot parts से cold parts तक flow करती है. ये क्यों flow करती है? Temperature difference की वजह से. जब भी किसी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस होता है तो जिस चीज़ के दरमियान डिफरेंस होता है वो चीज़ फ्लो करना शुरू कर देती है. जब उनका डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, यानी कि उनका टेम्परेचर, करंट या वाटर मतलब सेम मिकदार में आ जाते हैं, तो फ्लो करना बंद कर देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास वाटर के 2 कैंस हैं. एक कैन पानी से बिल्कुल भरा हुआ है और दूसरे कैन में आधे कैन जितना पानी है. तो हम इनके दरमियान एक पाइप लगा देंगे, यानी कि एक रास्ता. तो यहाँ से पानी इस टैंक की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी में डिफरेंस है. इसका पानी ज़्यादा है और इसका पानी कम है. इसमें 100 लीटर पानी था और इसमें 50 लीटर्स. जब ये फ्लो करना शुरू करेगा तो जब इन दोनों के दरमियान 75 लीटर्स हो जाएगा तो वाटर फ्लो करना बंद कर देगा. इसी तरह हीट भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कमरे में एक गर्म चाय का कप रखा. चाय का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो चाय के अंदर जो हीट मौजूद है वो इससे फ्लो करना शुरू कर देगी, और जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो करना बंद कर देगी. जब चाय का टेम्परेचर 45 और कमरे का टेम्परेचर 45 हो जाएगा, यानी इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो हीट फ्लो करना बंद कर देगी.